इंदौर सीट पर प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी इंदौर से प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो पाई है। इंदौर सीट पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अक्षय बम का नाम आगे बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेता बम के दम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस असमंजस की स्थिति से गुजर रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी कांग्रेस अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई। कहा जा रहा है कि बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली इंदौर सीट से चुनाव लड़ने के लिए तमाम बड़े नेताओं ने इनकार कर दिया है। इंदौर में पिछले 35 साल से बीजेपी का कब्जा है, ऐसे में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता आगे आकर रिस्क लेता दिखाई नहीं दे रहा। चर्चा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नाम की भी है, लेकिन जीतू पटवारी युवा नेता अक्षय बम को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इधर अक्षय कांति बम के नाम पर स्थानीय नेताओं की दिलचस्पी जरा कम नजर आती है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ पार्टी इंदौर से किसी मजबूत चेहरे को मैदान में उतारेगी। भाजपा को इसलिए जल्दी थी कि कई टिकट वो काट रहे थे, किसी का रोक रहे थे, किसी का बेच रहे थे, तो सब उनके आगे पीछे चल रहा था, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी की कि विद्रोह ना हो। कांग्रेस में तो जो भी टिकट है वो बहुत साफ सुथरे हैं और युवाओं को टिकट दिए जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर कांग्रेस एक बड़ी विजय प्रदेश में हर जगह हासिल करेगी। इंदौर में जो भी टिकट आएगा वो नया टिकट, वो यूथ का टिकट आएगा और निश्चित तौर पर परिणाम अच्छे मिलेंगे। इधर बीजेपी कांग्रेस में चल रही कश्मकश पर अपने ही अंदाज में चुटकी ले रही है। नहीं कोई कांग्रेसी दिखा रहा है दम, अब सबको नजर आ रहा है अक्षय बम। कैसी स्थिति हो चली इंदौर में कांग्रेस की, कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। कोई कह रहा है जीतू पटवारी को लड़ाओ और जीतू पटवारी लड़ना नहीं चाहते। कोई कहता है कभी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को ले आओ, कोई कहता है राहुल गांधी को ले आओ। हारना सबने 8 लाख से तय है। कोई आगे बढ़कर दावेदारी नहीं दिखा रहा है। जिन जिन लोगों के दावेदारी में नाम थे या तो वो छोड़ के चले गए या लड़ना नहीं चाहते। बड़ी बुरी स्थिति इंदौर में कांग्रेस की हो चली है। इंदौर बीजेपी का गढ़ है तो कांग्रेस जीत का सपना लिए 35 साल से इंतजार कर रही है। विधायक भंवर सिंह शेखावत, वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वप्निल कोठारी और पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल जैसे नेताओं के नाम भी दावेदारों की दौड़ में चले, लेकिन किसी ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। बीजेपी ने एक बार फिर शंकर लालवानी पर भरोसा दिखाया तो वहीं कांग्रेस में प्रत्याशी को लेकर तस्वीर अभी भी धुंधली है। अब इंतजार सभी को इस बात का है कि कांग्रेस से कौन सा चेहरा मैदान में होगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।